गल करांगे जलंधर दे लतीफपुरा दी, जिथे 8वें दिन भी लोग ठंड दे विच टेंट दे अंदर सौण दे लई मजबूर हो चुके ने। एक तो बाद एक सियासतदान लतीफपुरा पहुंच रहे ने, वड्डे वड्डे दावे ते वादे कीते जा रहे ने कि जल्द तो जल्द इन्हां लोकां दी मदद की जाएगी, लेकिन हालात अजे भी ज्यों दे त्यों बने हुए ने। सिर्फ ते सिर्फ अजे तक खालसा एड दे वल्लों इन्हां लोकां दी मदद की गई है, खालसा एड इन्हां लोकां दा सहारा बनिया। ते उत्थे ही अज कांग्रेस दे पंजाब प्रधान राजा विड़ंग भी लतीफपुरा पहुंचे। इस मौके ते उन्हां दे वल्लों कहा गया कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अते आम आदमी पार्टी दी सरकार दी मिली भुगत दे चलदे ये सारी हरकत की गई है। कई निशाने उन्हां दे वल्लों आम आदमी पार्टी दी सरकार ते साधे गए ने। की कहना सी उन्हां दा, आओ सुनांदे आ तुहानू। पहला तां मैं माफ़ी मंगदा कि अज इस घटना नूं कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए और असीं 5 दिनों बाद आए, लेकिन मैं जिस दिन ये घटना वापरी सी मैनू बेरी साहब होरां ने ते मैडम एम सी साडिया ने, सोनू जी होरां ने, सब ने, लोगों ने, जलंधर के कांग्रेसी साथियों ने इस गल बारे इतलाह दित्ती सी। और उस मौके ते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ज़ास्ती के खिलाफ आपकी आवाज़ बुलंद की सी। और जिस तरह मैं उम्मीद करता सी, मैनू इस बारे नहीं पता सी, पूरे दे पूरे मुकम्मल घटा दिते गए हैं। सोचते सी कि शायद उन्होंने कोई छोटे मोटे कमरे, बाथरूम इधर उधर दियाँ कोई यहोजे टिकाने ढा के सरकार उन्होंने डराना चाहती है, लेकिन जिस तरह इतने आके हालात जो मीडिया च वेख्या कि मुकम्मल का मुकम्मल सफाया कर दिता, सब कुछ ढा दिता, 2.5-2.5 साल दियाँ बच्चियां वास्ते पाउंदिया रही और मावां रोंदियां रही, लेकिन किसी ने उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी। सो मैं इत्थे बैठ के जिन्हां केस समझे हैं उत्थों ये अंदाजा लग गया है कि सरकार जान बुझ के, यानी कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जान बुझ के इस केस की पैरवाई नहीं कर सकिया और मिली भुगत दे नाल इन्हां लोगों के नाल धोखा होया। बेशक जदों कानून की गल करते हैं असी कानून का सम्मान करते हैं, मानयोग अदालतों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च अदालतों ने जो जो भी फैसला उन्हां दा हैगा वो साडे असी हर व्यक्ति मनदे हैं, लेकिन जिहड़ियां अदालतां मानयोग अदालतां उन्हां नूं भी कागजी पत्री वेख के फैसला करदियां, लेकिन अगर उन्हां दे कोले कोई पक्ष पेश ही ना किया गया, कोई कागज ऐसे दिते ही नहीं गए, तो ये तो बेचारे कोर्ट च गए नहीं, गरीब लोग है जा ही नहीं सकते सीगे, तो फैसले दर फैसला इन्हां दे खिलाफ कर दे गए। हालांकि इन्हां नूं काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है कि चीज़ कितें होर सी, विखा कितें होर दिती गई, तो आ कागजी पत्री मिनती हुई नहीं। हालांकि पटवारियों ने भी एफीडेविट देते, बयान भी कोर्टा च देते भी ये वो खसरा नंबर नहीं हैं, इस दे बावजूद भी फैसला इन्हां दे खिलाफ आ गया। मैनू लगता कि सियाने कहिंदे भी जे वकील माड़ा होवे तां तुहाडा केस हर जांदा, सो इन्हां दे विचारियां दा तां वकील है ही नहीं सीगा, कोई इन्हां दा वकील कोई है ही नहीं सीगा, सो इस करके फैसला इन्हां दे खिलाफ आया। मैं एक तो बेनती करनी चाहना है पंजाब के मुख्यमंत्री नूं, सरदार भगवंत सिंह मान आम सधारण परिवार चो उठ के पंजाब का मुख्यमंत्री बने, मेरी उन्होंने बेनती है कि वह इत्थे खुद आउण मुख्यमंत्री, और शायद मुख्यमंत्री नूं भी यह दस दिता गया होवे भी कागजी पत्री जी एक कोर्ट का फैसला हुण असीं की कर सकते हैं, तो हार गए, तो ऑफिसर साहबां ने मिली भुगत नाल ये सारा कुछ ढह ढेरी करता उन्हों का मिली भुगत दे नाल, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नूं कहता होना ऑर्डर है जी सुप्रीम कोर्ट का, हुण जदों ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का फिर कोई बोलता नहीं। मेरी बेनती है मान साहब नूं कि इहनू घोख ते विचारो, ये कुछ गल होर कहिंदे है, कागजी पत्री है जमीन कितें होर सी, विखा कितें होर दित्ती गई, इन्हां नाल अन्याय ते धक्का होया है। आपदे ऑफिसर साहबानां नूं कहो कि मैनूं सारी सच्चाई चानणे मेरे लाओ ते आके इन्हां नूं इन्हां दे घर दुआरे वसा के देण, और दुनिया दे विच इस गल दी चर्चा होगी। कोई गल नहीं, जिंदगी च सरकारां गलत फैसले भी लै लैंदियां, कई वारी व्यक्ति तो गलत फैसला भी हो जांदा है, लेकिन आपदी आपदी गलती मन के आपदी गलती मन के ते फैसला दोहरा लिया जावे तो लोग उहदी तारीफ भी करदे जिहड़ा आपदी गलती मन ले। सो एक तां मैं इह बेनती करांगा, दूसरा मेरी बेनती है इत्थों इन्हां नूं मैं सज्जणां नूं इह कही है गल कि इहनूं आपां टैक्नीकली भी लड़ाई लड़ीए कोर्ट के चंगे वकीलों के नाल, माहिर तुसीं लैके आओ जिहड़े तुहाडे कोल दस्तावेज़ है, असीं वो चंगे वकीलों नूं विखा के वकीलों का जिहड़ा भी खर्चा आएगा कांग्रेस पार्टी करेगी,
ते असी मानजोग अदालत दे विच दोबारा लेके जाइए अपील फाइल करिए कि ये गलत होया ते असी आपदा तत् पक्ष पेश करके ते ए जिहड़ा रिमांड कराइए केस। सो दूजा तरीका है। तीसरा यह है कि इस तरह जिहड़े भी लोग चाहे कोई भी जाति दे लोग है किसी भी धर्म के लोग है किसी भी पार्टी के लोग है सियाने कहते औखे वेले हरेक ना खड़े हो जाना चाहिए बेशक कोई बगाना भी हो। सो दूजी चौथी तीजी मेरी बेनती है कि सबनों इन्हों के नाल आके इन्हों नाल हमदर्दी बटाउनी चाहिए है इन्हों किसी भी चीज़ वस्तु की लोड़ हो सबनों तिल फुल भेटा जो किसी का सरदा है वो पूरा करना चाहिए। सो अज मैं परिवारों के नाल हमदर्दी प्रगट करता होया ये महसूस करदा कि बहुत धक्का होया जे ये घर राजे वड़िंग का टेंदा फिर पता लगता ये प्यो दे मरने नालों भी वड्डी गल है घट है जाना प्यो दे मरने का तो 15-20 दिन बाद बंदा भुल जाता है कदे कदे याद आती है फिर चूल्हा चौंका चलता है जो चूल्हा चौंका जो उड़ा दिता जाए तो ढिड रोज़ भुखा होवे तो उन्हूं वेखदा कुछ ना होवे इन्हां कालियां रातों के मैनू लगता कि वह रोज़ मरदा है एक बारी मरना हुंदा है ये रोज़ बेचारे मर रहे हैं। सो मैं आपदा पार्टी वालों तो आप इन्हां नाल इस मौके पर आपकी हमदर्दी प्रगट करना से आया है जो भी मेरे तो सरेगा जो भी मैं कर सकता होया असी साड़ी MC आंटी हरां नाल गलबात करके लोकल लीडर साहब हरां नाल साडे MLA साहब हरां नाल जिला प्रधान हरां नाल गल करके असी जो कर सकते हो करा। सो वेखो मेरी मेरी बेनती है यार कांग्रेस पार्टी का प्रधान आ गया किसी की कमी किसी की नहीं किसी के आने घर बन नहीं जाना किसी के आने घर टह नहीं जाना हर व्यक्ति दे सोच निजी होंगी है हो सकता कई मंदिर जाते हैं नाल आले घर आला गुरुद्वारे जाता है। सो इस गल ते टिप्पा टिप्पणी कोई गल बनती नहीं कई बार खबर बनाउन दी कहानी हुंदी है कई बार सवाल बंदा तां करदा थोनू मैं बेनती करा मैनू तां पता ही नहीं सी ये केस हजे तक भी ये केस पता नहीं है केस लड़िया ही नहीं गया कानूनी तौर ते जे चंद टीमां अज भी कहना चाहना है कि जे इदा ही आके इत्थे आ गए गलबात कर ली तो एक मिनट जी मैनू गल पूरी कर लैन दिओ प्लीज गल पूरी कर लैन दिओ प्लीज इत्थे आ गया मैं चला गया वापस जा वड़िया कोई गल नहीं बननी मैं हमेशा हुण भी कहा कि एक मेरी फोटो बन जाएगी एक वीडियो आ जाएगी इन्हां दा मसला दाल हल होना है जे कागजी पत्री असी इन्हां दी लड़ाई लड़े मैं तुहानूं कह दिंदा कि किसी भी व्यक्ति ने नहीं लड़ी चलो साडे वाले ने किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी मुकदमे दर्ज होने चाहिए पहला तो इन्हों गुमराह किया जे इन्हों की जगह नहीं सी तुसी मीटर क्यों लाया कहिंदे मालकी तो बिना मीटर नहीं लगता फिर इन्हों सीवरेज कनैक्शन दिता फिर तुसी हाउस टैक्स इन्हों तो लिया फिर इसके बावजूद तुसी उन्होंने घर टा रहे हो जो आपके डिपार्टमेंट के सब लोगों के परचे देके अंदर की तुसी इन्हां जनता नूं गुमराह किया ये इन्हां दी थां बंदी सी इस करके ही दिता गया पटवारी दे बयान गल कहिंदे घर नूं जाड़ के फ्लैट देने की गल की जा रही है I was not aware. I'm ਇਥੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੁਕਸਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ MLA ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਰ MLA ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਨੋ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ TV ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ यार वो हल्का MLA साहब दा नाल तुसी गल कर सकते हो नॉट विद मी यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी ना नो 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 मैं हर व्यक्ति मैं आपकी पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं आपकी ब्रदर जिम्मेदारी लैंना मैं इतने आके इन्हों खड़े होना जिथे रात नू
नहीं मेरी किसी प्रति नहीं, व्यक्ति विशेष मेरी किसी प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती, एज ए एमएलए भी नहीं बनती, दैट इज द अंडर एमएलए इज अंडर द सीएलपी, वैसे कोई गल नहीं, कोई नहीं भजन काली नहीं है मेनू। कारो जाड़ के फ्लैट देने की गल की जा रही है, लोगों ने नामंजूर करता सर दे के, कारो जाड़ के फ्लैट देने की गल की जा रही है, वो भी लोगों ने नामंजूर कर दिया। बिल्कुल यार, जिसका घर सी बेचारे हुण इह खुले वातावरण बेचारे रहिंदे सी, कई बुजुर्ग तो चाड़ ही नहीं सकते फ्लैटा चो, उन्होंने साह बंद हो जाएगा। ब्रिंग सर तुम्हारे को लोगों ने शिकायत की कि साढ़े जो हल्का एक बंदा एक सवाल तीन कर ले सर, तुम्हारे को लोगों ने शिकायत की इतने दे लतीफपुरे वाले, मैं मेरा जवाब देता बार बार नहीं दे सकता जी, मेरा कोई नहीं होर कोई सवाल, तुम धारीवाल पुछो जी वो क्यों नहीं आया, जिन्होंने घाटा ये है वो इतने किमें पढ़ गए, उन्होंने डर भी लगता है, पर मेरा जवाब का, मेरा सवाल का जवाब धारीवाल दे सकते।